फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक में पासा पलट गया। लगातार गिरावट के बाद आज अपर सर्किट लग गया। डायरेक्ट गिरावट से तेजी के माहौल में आ गया स्टॉक, और अब आगे क्या संभावना बन रही है और इस गिरावट से ये तेजी बनने के पीछे रीजन क्या है, क्या है इसकी बहुत बड़ी वजह, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और आगे की क्या सिचुएशन बन रही है वो भी आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बड़ी अपडेट है यस बैंक से लेकर, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज कारोबार की बात करेंगे। आज यस बैंक का स्टॉक 15.10 पर ओपन हुआ और लो बनाया 15 का। दिन में आज इसमें गिरावट की संभावना कम हो चुकी थी, तेजी बननी शुरू हो गई थी। इसके पीछे वजह आगे हम डिस्कस करेंगे। आज ये हाई में गया है डायरेक्ट 15.80 के, यानी 5% अपर सर्किट पर। यानी दिन भर में इसमें थोड़ी तेजी बनी रही और अंत में ये 5% अपर सर्किट पर क्लोज हो गया। इसके पीछे वजह है वो वॉल्यूम के माध्यम से हम जानेंगे क्या वजह रही आज इसमें अपर सर्किट लगने की। पहले हम इसके वॉल्यूम को एक बार चेक करेंगे। महीने भर के पहले वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 22 करोड़ का इसका वॉल्यूम था। एक सप्ताह के पहले अगर वॉल्यूम देखेंगे स्टॉक का तो 29 करोड़ का था, और कल का वॉल्यूम देखेंगे तो 33 करोड़ का था। यानी बहुत बड़ी मात्रा में था वॉल्यूम, और आज वॉल्यूम हुआ है 19 करोड़, यानी पूरे महीने में सबसे कम वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, जो भी लोग इसको सेल करना चाहते थे वो उनका जो प्रेशर था वो सेलिंग का वो खत्म हो चुका है। डिलीवरी बेस अब इसमें सेलिंग खत्म हो चुकी है। इसने भी तुरंत डिसीजन लिया, गलत फैसला किया, उन्होंने अपने जो भी होल्डिंग था उसको बेच दिया। अब लेकिन इसको होल्डिंग लोगों ने बेचनी कर दी कम, और इसी वजह से आज लग गया इसमें अपर सर्किट, क्योंकि जो सेलर थे वो बिल्कुल हो गए कम। जो भी समझदार थे उन्होंने बात समझ ली कि अब ये 15 से नीचे नहीं जाएगा, चाहे देने वाले टारगेट भले 6 का दे दे या 11 का टारगेट दे दे, 10 का दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ चुकी सबके कि यस बैंक का स्टॉक अब आगे नहीं गिरेगा, और इसके पीछे और भी वजह है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक आपके साथ अपडेट शेयर कर लेते हैं। यस बैंक ने दोनों एक्सचेंज को आज जानकारी दी है कि हमने इंग्लिश पेपर और नवशक्ति मराठी पेपर के अंदर पोस्टल बैलेट नोटिस थ्रू ईमेल और रिमोट ई वोटिंग के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो आज के न्यूज़ पेपर में है। और साथ में उन्होंने कहा है कि हमने यस बैंक की वेबसाइट पर भी ये नोटिस डाल दी है, और मैंने भी आगे शेयर किया, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये उन सब रिटेल शेयर होल्डर के लिए है जो इसने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलरेडी उनको ईमेल पे भी नोटिस आ चुकी है। तो उनको अब ई वोटिंग में भाग लेना है, और उनकी रजामंदी ले जाएगी जो भी यस बैंक ने जो डिसीजन लिए है उसके लिए उनकी आप भी यस बैंक के शेयर होल्डर है तो आप भी उसके, आपका भी उसके अंदर हिस्सा है, तो आपकी सबकी रजामंदी की जरूरत पड़ेगी उनको, यस बैंक को, आगे अपने प्रस्ताव को पास करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने जो समय निर्धारित किया है रिमोट ई वोटिंग का, वो है 31 जनवरी संडे से शुरू होगा। यानी इस 31 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा, और इसका पीरियड चलेगा मंडे 1 मार्च 2021 तक। यानी पूरा एक महीना है, इसके अंदर आप कभी भी ई वोटिंग के जरिए अपनी रजामंदी दे सकते हैं, और ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं यस बैंक के। अब चलेंगे फ्रेंड्स हम उस बड़ी न्यूज़ की तरफ, जो यस बैंक की तरफ से एक शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। यस बैंक लगातार अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक के बाद एक बड़े डिसीजन लिए जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों सीनियर सिटीजन डिपॉजिट में बहुत ही शानदार इंटरेस्ट प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे सीनियर सिटीजन उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। और अब इसी को लेकर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यस बैंक टैक्स सेविंग FD में भी बहुत ही शानदार इंटरेस्ट देने जा रही है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। इसके लिए आप जरा ये आगे की डिटेल जरा आपके साथ मैं डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, कौन बैंक कितनी FD के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है टैक्स सेविंग के ऊपर, प्राइवेट बैंक भी जानेंगे और साथ में गवर्नमेंट बैंक भी जानेंगे। तो सबसे ऊपर नाम निकल के आ रहा वो है यस बैंक का। यस बैंक दे रही है 6.75%, और उनके साथ में ही दूसरी एक और बैंक है DCB बैंक, वो भी 6.75% दे रही है। यानी ये दो बैंक हैं जो सबसे ज़्यादा FD इंटरेस्ट रेट दे रही है। सेकेंड पे आ रही है फिर इंडसइंड बैंक, जो दे रही है 6.50%। उसके बाद में है RBL बैंक, जो दे रही है 6.40%। बाद में है सिटी यूनियन बैंक, जो दे रही है 6%। और बाद में हम देखेंगे अब गवर्नमेंट बैंक की तरफ, तो यूनियन बैंक दे रही है 5.55%, कैनरा बैंक दे रही है 5.50%, SBI दे रही है 5.40%, बैंक ऑफ इंडिया दे रही है 5.30%, और पंजाब नेशनल बैंक दे रही है 5.30। तो आप देख लो, सबसे ज़्यादा FD इंटरेस्ट दे रही है यस बैंक। तो इससे क्या होगा, FD बढ़ेगी बैंक की। अगर किसी को भी
इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा वो वहीं पे अपनी एफडी करवाएगा। तो इस तरह से बहुत जल्द यस बैंक के पास बहुत सारा फंड आएगा, क्योंकि यस बैंक जिस तरह से अट्रैक्टिव स्कीम लेकर आई है तो सीधा डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा कि उसके कस्टमर बेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही, और रिसेंटली उन्होंने बहुत सारा लोन बांटा है लोन मेला के थ्रू, तो अब उनको फिर से पैसे चाहिए। तो ये टैक्स सेविंग एफडी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर को, तो नेचुरली वो जाके यस बैंक में एफडी करवाएगा। तो इस तरह से एक तरीके से यस बैंक के पास फंड भी आ जाएगा और उस फंड को तुरंत वो फिर से लोन मिला के थ्रू बांट रहे। तो ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है यस बैंक की, ये डेफिनेटली जो मैनेजमेंट कर रहा है एक बहुत ही शानदार कदम है, और इसकी वजह से यस बैंक मजबूत हो रही है। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं और बहुत सारे उस ट्रैप में फंस गए और उन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया। मैंने कई बार आपको बोला, रिक्वेस्ट करके बोला कि आप लॉस बुक ना करें, आप वेट करें, क्योंकि हर बाजार में जब कोई माहौल बनता है तो गिरावट जरूर बनती है, उसमें लॉस होता है। लेकिन आप जिस तरह से देख लो, आज अपर सर्किट लग गया, स्टॉक फिर से 16 के आसपास आ गया है, एक दो और अपर सर्किट लगे तो फिर 18 के ऊपर चला जाएगा। तो आपने जो गलती कर ली लॉस बुक करके, वो जो नहीं करना था वो आपने कर लिया, जबकि मैंने आपको रेगुलरी में वीडियो बना के अपडेट आपको करने का मतलब यही है कि हर सिचुएशन से आपको मैं अवेयर करते रहता हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जब 13 का शेयर 20 के आसपास पहुँच गया तब भी मैंने लगातार वीडियो में बोला कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो मौका था। लेकिन जब शेयर की प्राइस वापस नीचे आ गई, 17 के आसपास आई, तो मैंने आपको होल्ड करने की सलाह दी। लेकिन उसके दौरान ही फिर जब बाजार में बड़ी गिरावट हो गई, बैंक निफ्टी के अंदर भी लगातार गिरावट होने लगी और निगेटिव माहौल बन गया, तो सारे शेयर गिरते, बैंक के सारे शेयर गिरे, उसके साथ साथ यस बैंक में भी गिरावट हुई। तो उस दौरान आप लोग पैनिक हो गए और आपने लॉस बुक कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना था। आज देख लो इसकी प्राइस फिर बढ़ गई है, ये फिर वापस 17-18 के पास चला जाएगा और आपके पास से तो माल खत्म हो गया। और जो खरीद लिया वो कौन, बड़े बड़े फंड घराने जो इस मौके की तलाश में थे, उन्होंने आपका माल लपक लिया और वो यही काम करते हैं, पैनिक माहौल बनाओ और निचले भाव से खरीदारी कर लो। तो उन लोगों ने अब 15 के आसपास खरीदारी कर ली है, वो फिर जाके 20 के आसपास बेच देंगे, यही चक्कर चलता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको एक खास ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी आप इतने पैनिक ना हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा घबराहट ना हो। बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कभी भी किसी भी स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। पहली बात, कभी भी आपके पास जो भी फंड है उसमें से स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ 30% ही लगाना चाहिए, बाकी जो भी 70% आपका फंड है वो आप एफडी में या बैंक पोस्ट ऑफिस में और कहीं पर कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। आपको 30% इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए आपके टोटल फंड का, और 30% में से भी सिर्फ आपको 10% से भी कम है जो रिस्की स्टॉक में लगाना चाहिए, बाकी आपको कम से कम 20% जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ इन्वेस्टमेंट, अच्छे फंडामेंटली मजबूत और लार्ज कैप स्टॉक के अंदर लगाना चाहिए ताकि वहाँ पे गिरावट की संभावना कम बने। तो एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप लॉस में कभी नहीं रहोगे और फिर ये जो माहौल बनता है उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, मैंने आपको लगातार बोली, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। यस बैंक तो आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा, तो उस समय आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिलेगा। आज इसकी प्राइस भले नीचे है उससे क्या होता है, लेकिन आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो टाइम टाइम पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।